आपकी क्या सिचुएशन थी कोविड के टाइम? सही बात है, कोविड के टाइम जो शुरू हुआ और जो 23 मार्च को मेरे ख्याल से जो लॉकडाउन जो लगा, तो वो कभी जिंदगी में कभी देखा नहीं था और शायद सुना भी नहीं था। तो वो 2-3 दिन या 4 दिन या 5 दिन हो सकता कि हालत बहुत ख़राब थी और रात को नींद नहीं आती थी, कैसे लगता था सब कुछ ख़त्म हो गया, ये बात है। लेकिन वो रहा, वो सिलसिला 3-4-5 दिन रहा, उसके बाद में फिर गीता ज्ञान याद आने लग गया आपको, क्योंकि ऐसे गीता याद नहीं आती है, तकलीफ के टाइम में गीता याद आती है, तो सब याद आने लगे, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, क्या तेरा है, जवाब तेरा है, वो कल किसी और का था, जो कल किसी और का होगा वो तेरा होगा। तो वाकई में वो गीता ज्ञान आने लग गया था। तो इस बोल कर फिर 3-4 दिन बाद में फिर ये समझ में आ गया कि ठीक है, जो बचा है वही बहुत है जीने के लिए, और बाकी क्या है। तो वो स्पिरिचुअलिज्म वाला थोड़ा सा दिमाग में आने लग गया। आपने अभी बुल मार्केट पे एक सॉन्ग लिखा है, सॉरी बेयर मार्केट पे, कुछ दिनों पहले शायद ये मार्केट सिनेरियो देख के आपने बेयर मार्केट पे आपने एक सॉन्ग बनाया है, तो अभी बुल मार्केट पे कब बनाएंगे? नहीं, बुल मार्केट तो क्या, बेयर मार्केट जब खत्म हुआ तो बुल मार्केट चालू हो गया। उसी सॉन्ग के अंदर में बेयर मार्केट वाली लाइन है उसके अंदर में कि वो, अगर आप बोल सको तो प्लीज। हाँ, तो वो बेयर मार्केट ये बोलता है कि जैसे बोलता है मैं बेयर बदनाम, मैं चला मैं चला मैं चला, तो उसके अंदर में कि ये लाइन है कि मुझसे क्या घबराना, मैं भी भूल रहा हूँ कि वो ये बोलना चाहता है बेयर मार्केट कि मुझसे क्या घबराना, देता हूँ लेने का तुमको एक बहाना, मेरे ही कारण मिलते शेयर सस्ते दाम, फिर भी मैं चला मैं बेयर बदनाम। तो ऐसा कुछ बोलना चाहता है कि तो कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, और ये इतिहास भी ये बात बताता है, डेटा ये बताता है कि लोगों ने जो वेल्थ कमाई है वो बेयर मार्केट को फ्रेंड बना के कमाई है। जिस आदमी ने बेयर मार्केट में पैसा लगाया है वही आदमी वेल्थ क्रिएट किया है ये शेयर बाजार के अंदर में। आप मेरे भी शामिल, 2019 का जो भी 2020 का जो कोविड वाला टाइम था, जो मेरे को 3-4 दिन जो नींद नहीं आई, बाद में गीता याद आ गई उसके अंदर में, तो उसके बाद में फिर जो भी शेयर लिए गए, फिर जून जुलाई में जो शेयर लिए वो 2021 तक 10 गुना 15 गुना 5 गुना वो सारे शेयर हुए। वो तो वो वेल्थ जो क्रिएट होती है वो बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से होती है। बुल मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई आदमी पैसा नहीं कमाता है। मैंने एक एनालॉजी लिखी है शेयर बाजार की कि जो बुल मार्केट होता है वो कमज़ोर इन्वेस्टर पैदा करता है, और जो कमज़ोर इन्वेस्टर होते हैं वो बेयर मार्केट पैदा करते हैं, और जो बेयर मार्केट होता है वो मजबूत इन्वेस्टर पैदा करता है, और जो मजबूत इन्वेस्टर होते हैं वो बुल मार्केट पैदा करते हैं। ये साइकिल पूरा चलता है शेयर बाजार के अंदर में। तो ये तो एक एक दिन और रात है, हम लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप देखिए मार्केट में जब जब देखिए, ये पूरा जीवन चक्र है, जो मार्केट यूफोरिक होगा ना वो उस मार्केट में क्राइसिस आएगी, और जिस मार्केट में क्राइसिस आएगी वो मार्केट वापस यूफोरिक होने वाला है। अभी तक का जो डेटा है वो तो ये बताता है, जब से मैं शेयर बाजार में हूँ तब तक साफ समझिए यही डेटा बताता है। लेकिन क्या होता है, वो नए लोग नई जमात आती है, वो उन्होंने दिखा हुआ नहीं रहता है, पढ़ के कोई सीखना नहीं चाहता है, और बिना मरे स्वर्ग भी आपको नहीं मिलता है, तो सब आदमी अनुभव करके ही सीखना चाहते हैं, तो लोग ये बात को भूल जाते हैं। इस बोलकर वो ऐसा होता है कि उस समय किसी को लेने का नहीं है जब वो गाड़ी चढ़ती हुई गाड़ी में सबको चढ़ने का। विजय भाई, आपको कब पता चला कि ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर यू? ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, ये मेरे को पता चला 10 साल मशक्कत करने के बाद में। 10 साल तक मैं ट्रेडिंग में ही जूझता रहा और उसी के अंदर में गिरता रहा और डूबता रहा उसके अंदर में। 10 साल बाद मेरे को समझ में आया कि शायद मैं ये कटआउट मेरे लिए नहीं है, ये मेरे को ये कहीं पहुंचा नहीं पाएगा, शायद मेरे लिए नहीं है ये। तो 10 साल तक उसमें स्ट्रगल भी लगा, लेकिन उसके बाद भी जब जिस दिन एहसास हुआ उसके बाद भी ट्रेडिंग को पूरा छोड़ने के लिए, आज भी पूरा नहीं छोड़ पाया हूँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्दर 10 साल मेरे को लगे। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपको ज्ञान हो गया उसी दिन मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको वो प्रैक्टिस करने में भी मेरे को और 10 साल लग गए। तो आपका कितना परसेंटेज ओवरऑल पोर्टफोलियो का ट्रेडिंग में रहेगा? नहीं, 0% है अभी तो, कोई ना ट्रेडिंग का मेरा कोई परसेंटेज ही नहीं, मेरा सारा सब लॉन्ग टर्म। विजय भाई, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो स्माइलिंग पर्सनैलिटी है, और आपका इन्वेस्टमेंट फार्मूला भी कुछ स्माइल है, तो आप कुछ बता सकोगे कि वो स्माइल इन्वेस्टिंग फार्मूला क्या है? स्माइल का फार्मूला है कि जैसे मैं स्मॉल कैप में और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने मेरे लिए जो फार्मूला मेरे लिए ठीक रहा वो है एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल इन साइज, क्योंकि मैं छोटी कंपनियां पकड़ता हूँ, और एम स्टैंड्स फॉर मीडियम इन एक्सपीरियंस, कि मैं ऐसे मैनेजमेंट को पकड़ता हूँ
कि जिस मैनेजमेंट को कम से कम 15-20 साल का शेयर बाजार मतलब अपनी कंपनी में 15-20 साल का अनुभव है, और 15-20 साल मतलब मीडियम इन एक्सपीरियंस, वो इसके लिए कि 15-20 साल में उसने 3-4 बड़े बड़े साइकिल उतार चढ़ाव के देख लिए होंगे, तो मैनेजमेंट स्मार्ट हो गया होगा। और फिर भी मीडियम इन एक्सपीरियंस माने अगर समझिए वो आदमी 40 साल से उस इंडस्ट्री के अंदर में है और आज के दिन भी वो स्मॉल कैप है, तो मैं वैसे शेयर्स नहीं लूंगा। इसका मतलब शायद उसके डीएनए में नहीं है, उसके प्रोडक्ट में नहीं है वो चीज़। तो ये हो गया मीडियम इन एक्सपीरियंस। और दूसरा लार्ज इन एस्पिरेशन। लार्ज इन एस्पिरेशन मतलब जो मैनेजमेंट है, जनरली ये देखा गया है कि 100-200-300-500 करोड़ की कंपनी है, वो एक लेवल पे आने के बाद में उनका एपेटाइट खत्म हो जाता है, उनके फायर इन द बेली खत्म हो जाती है उनको। उनको ऐसे लगना पड़ेगा बहुत ही गए यार, हमने अपने पूरा मैदान मार लिया, पूरा जीत लिया मैंने, तो अभी क्या मर्सिडीज आ गई, ये आ गया, क्लब मेंबरशिप आ गया, और 2-4 घर हो गए, अभी पैसा क्या कमानेगा अभी अपने। बच्चे भी बोल रहे थे बाबू शू करवाना छे अभी, चलो तुम्हें मजा करो अभी। तो वो एस्पिरेशन जब खत्म होता है, लार्ज इन एस्पिरेशन, वो एस्पिरेशन खत्म हो जाता है, इसका मतलब अगर वो मैनेजमेंट बिलियनर नहीं बनेगा तो हम शेयर होल्डर मिलियनर नहीं बनेंगे वो शेयर्स के अंदर में। तो उसका वो एस्पिरेशन बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं जो समझता हूँ, वो है ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। कि उसकी मार्केट पोटेंशियल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 500 करोड़ कंपनी को नापने के लिए 5000 करोड़ रुपये आगे होना चाहिए, 5000 करोड़ का की पोटेंशियलिटी आगे होनी चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कभी भी पौंड के क्रोकोडाइल में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं समंदर की मछली में इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके लिए नापने के लिए पूरा समंदर बचाओ। कोविड के बाद ये 2 साल में बहुत सारे नए लोग आए मार्केट में, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, उनके लिए मैसेज तो ये है कि अगर सारे काम अगर आप अपनी गलतियों से सीखने वाले हो तो आपकी एक ज़िंदगी बहुत कम पड़ने वाली है। तो सबसे होशियार आदमी तो ये होता है कि जो दूसरों की गलतियों से सीखे साथ साथ, और अपनी गलती के अलावा दूसरों की गलतियों से सीखे। और शेयर बाज़ार को एक समझना चाहिए यहाँ पे कि ये इट्स ए रिस्की बिजनेस। यहाँ पर मार्केट विल रिवॉर्ड यू एज़ पर योर परसेप्शन। इफ़ यू विल ट्रीट इट एज ए गैम्बलिंग देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू। तो ये जुए का अड्डा नहीं है, ये मार्केट जो है ये एक रिस्की बिजनेस है, फास्ट बिजनेस है। तो इसको बिजनेस किस तरह से जिस दिन आप लेने लग जाओगे उस दिन आपका नज़रिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का चेंज हो जाएगा। तो सबसे ये है कि रातों रात करोड़पति करने बनने का यहाँ पर चेष्टा मत करो। मेरा एक कोट याद रखना चाहिए कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वेर डिस्ट्रॉयड इन ए डे। तो वो शेयर बाजार में देखने के लिए मिलता है।